स्टार प्लस के सुपरहिट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में काफी दिनों से कोई बड़ा ट्विस्ट नहीं आया, जिसकी वजह से ऑडियंस का मोह इससे हटता भी गया। लेकिन अब मेकर्स ने इस बात को भांप लिया है और उन्होंने ये रिश्ता में जबरदस्त बम फोड़ने की प्लानिंग कर ली है। जी हाँ, दरअसल मेकर्स ने शो के मेन विलन की छुट्टी कराने की ही प्लानिंग की है। लंबे वक्त से रणवीर ही ऑडियंस की आंखों में खूब खटक रहा था, क्योंकि कार्तिक और सीरत के बीच में वो दीवार बनकर जो आया। लेकिन अब खबरें सामने आई हैं कि शो से रणवीर यानी कि एक्टर करण कुंद्रा की जल्द ही एग्जिट होने वाली है। इस बारे में खुद शो से जुड़े एक सोर्स ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में बताया, ये हमेशा करण कुंद्रा के लिए एक कैमियो था। उनका किरदार शो में कुछ महीनों से ज्यादा शो में नहीं चलने वाला था। शो में पैडलर लीड के रूप में उनकी एक दिलचस्प भूमिका थी। करण सीमित ट्रैक करना पसंद करते हैं और उन्हें पता है कि उनका ट्रैक खत्म हो रहा है। अब ये देखना बाकी है कि क्या मेकर्स उन्हें शो में मारते हैं या इसे ओपन एंड रखते हैं ताकि बाद में उनके शो में लौटने की संभावना बनी रहे। वेल, सोर्स की जानकारी से साफ है कि अब शो में रणवीर का किरदार ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाला और जल्द ही उनकी शो से छुट्टी कर दी जाएगी। हालांकि मेकर्स या शो के किसी भी स्टार ने करण की एग्जिट पर फिलहाल कुछ रिएक्ट नहीं किया है, लेकिन रणवीर की शो से एग्जिट या छुट्टी वाकई में हो जाती है तो फिर शो में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए क्या मेकर्स लीप जैसा या फिर कुछ और मजेदार ट्विस्ट लेकर आएंगे? क्योंकि इन दिनों कई ऑनगोइंग शोज में मेकर्स लीप ट्विस्ट लेकर आए हैं। ऐसे में रणवीर की एग्जिट के बाद क्या एक बार फिर से लीप ही शो में आएगा या फिर एक नए किरदार की शो में एंट्री करवाकर शो में ट्विस्ट लाया जाएगा? वेल, अब करण की एग्जिट से शो में कैसे नया ट्विस्ट आता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल तो यकीनन फैंस खुश तो जरूर होंगे कि अब शायद फाइनली कार्तिक और सीरत एक हो जाएं।